बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ये तो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी सी, इंतहाई मज़ेदार और बहुत ही, ये विंटर में का सीज़न आ गया है तो इसमें ये चाय जो है बहुत ही टेस्टी लगती है। हम आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ ये चाय बनाना बताएँगे, आपको ये बहुत मज़ेदार लगेगी। स्पेशल चाय है विंटर के लिए। तो आइए हम अपनी रेसिपी को जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो है एक कप पानी डाल देते हैं सॉस पैन में और एक ही कप हम दूध लेंगे। दो कप हमने बनानी है चाय। अब हम इसमें एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो दालचीनी का डालेंगे। हमारे पास दो कप चाय है, हम इतना बड़ा टुकड़ा डाल रहे हैं। आपने अपने चाय के हिसाब से ज़्यादा या कम कर लेनी है। और ये हमारे पास थोड़े से जो है वो अदरक का पीस है, इसे मैंने बारीक बारीक जो इस तरह से टुकड़ों में जो है वो काट लिया है। तो अब हम इसमें जो चार अदरक जो है वो सब्ज़ जो इलायची होती है वो ऐड करेंगे। इसको आपने खोल लेना है, खोल के फिर ऐड करना है। जी फ्रेंड्स, थोड़ी देर जो है हमारी पक चुकी है दालचीनी, अदरक और इलायची है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पत्ती चाय वाली जो होती है, एक चम्मच एक टीस्पून जो है वो चाय वाली पत्ती भी हमें ऐड करती है। जी तो फ्रेंड्स, हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है इसमें जो मिल्क पाउडर है ये हम इसमें ऐड करेंगे। दूध जो है हमारे पास एक कप दूध है, इसमें हम ऐड करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसे ऐड करेंगे चाय में। मिठाई को मज़ेदार और टेस्टी सी ये चाय बनती है। इसमें दालचीनी और अदरक का जो अलग ही टेस्ट होता है इलायची का, तो अब हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके दूध को तो इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा कावा जो है वो तैयार हो चुका था, दालचीनी इलायची और अदरक वाला तो पत्ती वाला, तो अब हम इसमें ऐड कर दिया है। हमने दूध मिल्क पाउडर और सिंपल जो दूध होता है इसमें ऐड करके हमने डाल दिया है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चाय जो है रेडी। जी तो फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार सी जो है वो टेस्टी सी विंटर के लिए इंतहाई कोई यूज़फुल ये चाय है। तो इसमें अदरक जो दालचीनी जो आप इलायची डालते हैं उससे बहुत टेस्टी लगती है। ये विंटर की स्पेशल चाय है। तो आई होप आप लोगों को हमारी ये स्पेशल इंग्रेडिएंट के साथ ये चाय पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। आप मुझे अपने चैनल शायद 10 फूड मसाला से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।